तो दी बॉयज तो तुम सब ने देख ही लिया, फुल्ली आर रेटेड वर्जन जस्टिस लीग का, कि क्या होता अगर वो हीरोज असल जिंदगी में भी होते तो। पर आज जो मैं तुम्हें कहानी बताने वाला हूँ वो दी बॉयज और असली जस्टिस लीग का पूरा मिक्स है। तो क्या हो अगर एक प्रोस्टिट्यूट सुपर हीरो बन जाए तो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस औरत से जो पैसों के लिए वो सब कुछ करती है, क्योंकि इसे अपने बच्चों का पेट भी पालना था। पर उस टाइम उस पर कोई नजर रखे हुआ था एक हरा एलियन जिसका नाम था व्यूअर। ऐसा समझ लो कि मार्वल के वाचर का कार्बन कॉपी। वो बोलता है कि कोई भी हीरो बन सकता है, तुम में से हर कोई, फिर ये औरत क्यों नहीं, ये भी हीरो बन सकती है। मैं इसे थोड़ी सी पावर्स दूंगा और जस्टिस ऑफ ऑनर यानी कि जस्टिस लीग की कॉपी को इसे अपनी टीम में ज्वाइन कराने के लिए बोलूंगा। और वो ऐसा ही करता है। सुबह सुबह अपनी कॉपी जस्टिस लीग उसके घर पहुंच जाती है। बैटमैन, रॉबिन, सुपरमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश के कॉपी वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उन्हें गाली देके मना कर देती है। सुपरमैन का मुंह उतर जाता है गाली सुनके, लेकिन बैटमैन बोलता है कि टीम में सबको सैलरी मिलती है, तो वो औरत मान जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं इन कार्बन कॉपीज को जस्टिस लीग वाले नाम से ही बुलाऊंगा क्योंकि है तो वो उनकी कॉपी ही। अब उस औरत के टीम ज्वाइन करते ही पहला सुपर विलन गैंग का अटैक भी हो जाता है। वो सारे लोग वहाँ लड़ने पहुँचते हैं, पर विलेंस में जो लड़की थी वो अपनी नई नई सुपर हीरो को ब्लास्ट कर देती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उस विलेन को चेस्ट से पकड़ के जमीन पे पटक पटक के मार मार के भूसा बना देती है और अपनी स्कर्ट ऊंची करके उसके मुंह पर मूत्र विसर्जन करने लग जाती है। सुपरमैन देखने आता है कि हमारी नई टीममेट कैसा कर रही है लड़ाई में, पर वो तो कुछ और ही देख लेता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी उसे घूर के देख रहे थे। वो सारे हीरोज उसे अपने अड्डे पर समझाते हैं कि लीग ये नहीं करती, उसका नाम बनना मत करो। पर वो बोलती है कि बाहर तो लोग पैसा देते हैं ये करवाने का, अब मीटिंग खत्म, मैं चली यहाँ से। पर सुपरमैन डिसाइड करता है कि वो वहाँ जाकर उससे बात करेगा। उसके घर पे एक बंदा जिसे उसने पीटा था उसके बच्चे पे गन ताने खड़ा हुआ था, पर सुपरमैन सही टाइम पे आके बच्चे को बचा लेता है। पर सुपरमैन देखता है कि उसके बेड पे पैसे बिछे हुए थे। वो औरत बोलती है कि अपनी पावर्स का यूज करके उसने एक रात में ब्लो जॉब्स दे देकर ये पैसे बनाए हैं। सुपरमैन बोलता है कि ब्लो जॉब कोई इंटीमेट चीज है ना, पर तुम्हें ये सब करना क्यों है, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से ये क्यों करेगा। वो बोलती है कि लगभग हर कोई अपने काम से नफरत करता है लेकिन वो छोड़ भी तो नहीं सकता। पर एक मिनट, क्या तुमको कभी ब्लो जॉब नहीं मिला, रुको तुमने मेरे बच्चे को बचाया तो। और वो उसे ब्लो जॉब देने लग जाती है। पर सुपरमैन जल्दी से चिल्लाता है कि साइड में हटो, बेचारे का जो भी निकलता है वो आसमान में जाके प्लेन को लगता है और उसका पंख तोड़ देता है। बेचारे सुपरमैन को बिना पैंट के प्लेन को बचाने जाना पड़ता है और न्यूज में उसकी ऐसी फोटो छपती है। अगली मीटिंग में सब उस औरत को ब्लेम करते हैं और सुपरमैन शर्म के मारे बस बैठा हुआ था। तो बोलती है कि तुम कौन से हीरो बने फिरते हो, तुम कौन सा लोगों का भला कर रहे हो या उनकी जिंदगी अच्छी बना रहे हो, अगर ऐसा होता तो मैं और मुझ जैसे लोग ऐसा काम ही क्यों करते अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, तो ये हीरोगिरी का नाटक करना छोड़ो, तुम मुझसे कुछ बेटर नहीं हो। बैटमैन तैयार हो जाता है उसे टीम से निकालने के लिए, पर तभी हमले की आवाज आती है। सुपरमैन बैटमैन को बोलता है कि चलो इसे एक लास्ट चांस और दे देते हैं। अब सुपरमैन लीडर था तो सबने उसकी बात मान ली। वो वहाँ बिल्डिंग पे पहुँचते हैं तभी भयंकर गोलीबारी चालू हो जाती है और ग्रीन लैंटर्न की जिस उंगली में अंगूठी थी उसी उंगली पे गोली लग जाती है। उंगली अलग होते ही वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है और वहीं मर जाता है। बाकी हीरोज बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं, पर वो औरत उन गुंडों को बीच में से ही फाड़ने लग जाती है। सुपरमैन बोलता है कि हमें उन्हें मारना नहीं है वरना उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। पर तभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उन्हें शूट करके मारने लग जाते हैं और जो लास्ट टेररिस्ट बचता है वो निकलता है बॉम्ब के साथ और वो औरत उससे बॉम्ब छुड़ाने के चक्कर में उसका हाथ ही उखाड़ देती है। अब अगर उसने हाथ छोड़ा तो बॉम्ब यहीं फटेगा। सुपरमैन बोलता है कि मैं इसे स्पेस में ले जाऊं, पर वो बोलती है कि मेरे हाथ से छुड़ाएगा कैसे बिना फटे। सुन मैं जा रही हूं, बस इतना याद रखना कि अगर मेरे बेटे को तुम जैसे जोकरों में बदला तो मैं वापस आएगी। और वो बॉम्ब लेके स्पेस में चली जाती है। वो एलियन वाचर बोलता है कि देखो मैंने कहा था ना कि कोई भी हीरो बन सकता है, पर अचानक से वो चिल्लाने लगता है क्योंकि वो बॉम्ब लेके उसकी स्पेसशिप के ही पास आके फोड़ देती है। और यहाँ कहानी खत्म होती है उस प्रोस्टिट्यूट की जो हीरो बनी, सैक्रिफाइस किया और अपने नकली सुपरमैन को गाली देना सिखा दिया। अब कोई दी बॉयज कॉमिक को एक्सप्लेन करने के लिए मत बोलना क्योंकि वो हद से ज्यादा न्यूडिटी वाली है और यूट्यूब पे दिखेगी भी नहीं, इसीलिए ये कहानी थोड़ी सिमिलर लगी तो मैंने सोचा तुम्हें बता ही दूं। तो इसी के साथ ही सुपरमैन ने जलपरी को कैसे पटाया ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो और पावर रेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग वाला वीडियो देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करो। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।